गुरुवार को इंदौर नगर निगम अनुसूचित जाति के कर्मचारी संगठन ने निगम अधिकारियों से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कर्मचारी संगठन ने सफाई कर्मचारी के अर्जित अवकाश का नवीकरण, महिला कर्मचारी को प्रसूति के दौरान 1 माह तक का अवकाश और सेवानिवृत्ति सफाई कर्मचारी को पेंशन का 1 मुश्त भुगतान करने जैसी मांगे अधिकारियों के समक्ष रखी। इसके बाद अधिकारियों ने भी अपनी सहमति प्रदान की है और आगामी दिनों में कर्मचारियों को 15,000 की सहायता राशि देने की बात कही है। और साहब, लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब कर्मचारियों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? आज अधिकारियों से किस तरह की चर्चा की गई है, क्या क्या मांग रखी गई है? लॉकडाउन में तो बहुत सारी तरह की दिक्कत आई, लेकिन हमारा जो सफाई कामगार जो वर्कर्स है वो बिल्कुल कोरोना योद्धा, जब उसको खिताब मिल चुका है तो योद्धा, तो चाहे वो बारिश हो, ठंड हो, मौसम में कैसा भी हो, डरता नहीं है। इस कोरोना संक्रामक रोगों के बीच में भी वो सुबह से लेकर के दोपहर शाम को रात तक भी अपना मुस्तैदी के साथ काम करता रहा और कोरोना की जंग जीता है। ये बात ज़रूर जानते हैं हम कि 2-4 से लोग हमारे प्रदेश में कोरोना संक्रमित हुए और वो मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको आज स्टेट गवर्नमेंट ने 50-50 लाख रुपये भी दिए हैं। लेकिन इससे संघर्ष करने के दौरान भी कई दिक्कतें उन्होंने उठाई है। आज हमने माननीय प्रतिभापाल आयुक्त महोदय को एक पत्र हमने लगाया था, उसमें हमारे विवेक भाई करोसिया, बाबूला जी सिरसिया, हरीश नागर जी और श्याम अजय पाल जी के चारों संगठनों ने मिलकर के आज एडिशनल कमिश्नर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी के साथ चर्चा करी और चर्चा में हमने प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा के दौरान उनसे बात करने के बाद बताया कि हमारे कर्मचारियों को, कामगारों को तमाम सारी जो तकलीफें हो रही हैं, तो उन तकलीफों को उन्होंने बात करी, तो आज उन्होंने अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण चर्चा में पाया गया कि 7वें वेतन पैकेज जो हमारे निगम कर्मचारियों को जो पैसा मिलने वाला है उसमें 15-15 हज़ार रुपये देने के लिए हमने आज प्रमुख रूप से चारों संगठनों ने जोर लगाया कि 15,000 रुपये हमारे प्रत्येक कर्मचारी कामगारों को रक्षाबंधन पूर्व और दुर्गादेव जन्मोत्सव के पूर्व 15-15 हज़ार रुपये दिया जाए। इस पर आरती खेड़ेकर जो डिप्टी उपायुक्त है, माननीय सिंगार श्रीवास्तव जी हैं, अपर कलेक्टर, अपर हमारे अपर आयुक्त हैं, उन्होंने सहमति प्रदान करी है। साथ ही सबसे बड़ी जो आज हमें खुशी इस बात की है कि विगत करीब 10-15 साल पहले हमारे जो लोग नियुक्ति में थे और पर उसमें लोकायुक्त में जो केस चल रहा था उसकी फाइल बुलाने के लिए हमारे भाई अध्यक्ष विवेक करोसिया जी को और बबल को आज हमारी संगठन की तरफ से नॉमिनेट कर दिया है। वो कल माननीय एडिशनल से मिल करके लोकायुक्त की फाइल को यहाँ लेके आएंगे, जिससे तमाम सारे लोगों का मतलब दिक्कतें आ रही है, वो स्थायी लोग से काम कर रहे हैं।